मुझे आप सबको रोकना पड़ेगा, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पहले दर्शकों तक वो पहुंचा दें। देखिए, पाकिस्तान के कंधकोट में हिंदू समुदाय के लोगों पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया। मंदिर पर भी रॉकेट लॉन्चर छोड़ा गया। सीमा हैदर के विरोध में हंगामा किया गया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बड़ी खबर है, सिंध इलाके में हिंदू समुदाय के घरों पर अटैक हुआ है और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। मंदिर को भी निशाने पर लिया गया। सीमा हैदर को लेकर यह विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर यह हंगामा हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से सीमा हैदर के विरोध में यहां पर हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, मंदिर पर अटैक किया गया, वो भी सीधा रॉकेट लॉन्चर से। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का इलाका, जहां पर विरोध के तौर पर देखिए किस तरीके से रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। कंधकोट इलाके में हिंदू समुदाय के लोगों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त एबीपी न्यूज पर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। सीमा हैदर को लेकर विरोध का ये तरीका, रॉकेट लॉन्चर से हिंदू फैमिलीज को, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया है और उनके घरों पर इससे अटैक किया गया। अब वहां पर क्या किसी तरीके की कोई हताहत हुई है, इसे लेकर अभी जानकारी आना बाकी है। लेकिन फिलहाल ये हैरान करने वाली खबर जो पाकिस्तान से आ रही है सामने, इस खबर पर हमारे पास और क्या डिटेल्स है, मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए, हमें बताएंगे। जगविंदर जी, चलिए जगविंदर जी का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले आप एक बार फिर तस्वीरें देख लीजिए। सीमा हैदर जिस तरीके से अब भारत में है और इसे लेकर विरोध अब हो रहा है पाकिस्तान में, हमले के बाद बताया जा रहा है कि हिंदुओं के घरों को यहां पर निशाना बनाया गया है और यह हमला किया गया रॉकेट लॉन्चर से। आरोपी उसके बाद मौके से फरार हो गया। तस्वीरें एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज पर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। सिंध प्रांत में हिंदू समुदाय के घरों को निशाना बनाया गया है, इस वक्त की यह बड़ी खबर। सीमा हैदर जो पबजी के बहाने यहां पर मिलती है एक शख्स से, प्यार परवान चढ़ता है और उसके बाद हालांकि गलत तरीके से जिस तरह से दाखिल होती हैं और उसके बाद अब साथ रहना चाहती हैं अपने पति के, और इसी बात का विरोध पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने, इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।